ओके तो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है, तुम अपने वॉइस ओवर जिस तरीके से करते हो उसको तुम अच्छे तरीके से एडिट किस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल, यानी कि तुम हर चीज के लिए वहां से एडिट कर सकते हो जहां से तुम्हें तो आज बताने वाला हूं। यानी कि तुम्हारी वहां पर बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल नहीं आएगी और ज्यादातर जो तुम्हारी सांस की आवाज आती है ये वगैरह वगैरह चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी, वो तुम बिल्कुल क्लियर कर सकते हो वहां से। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना। और तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो तुम्हें पहले ध्यान रखना है कि तुम्हें अगर किसी वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो तुम्हें सबसे पहले वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप होता है, हर एंड्रॉयड में अवेलेबल होता है ऑलरेडी, रिकॉर्डर ऐप होगा वो, रिकॉर्डर नाम से, तुम्हें उस पर रिकॉर्डिंग करना है अपने वॉइस की। और एडिट करना है तुम्हें लेक्सिस ऑडियो एडिटर पे, ये तुम्हें प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं इसमें बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, तुम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो वॉइस और भी कुछ चीज़ें, तुम्हें सिर्फ यूजफुल चीज़ें बताऊँगा। तो गाइस, तो तुम यहाँ पे तीन डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, मोर का ऑप्शन, तुम्हें इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे लगे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो तुम्हें नॉर्मल पे क्लिक करना, और जब तुम क्लिक कर दोगे तो तुम्हारी वॉइस जाएगी बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि कहीं तुम ज़्यादा तेज बोल देते हो और वहाँ पे कहीं कम बोल देते हो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और फिर एक और यूजफुल ऑप्शन आता है जो कि है चेंज स्पीड, तो तुम्हें यहाँ 1+ पे कर देना उसको, जिससे कि ज़्यादा ना तुम्हारी पिच कम हो और ना ज़्यादा, और तुम्हारी टेम्पो भी चेंज होता है। टेम्पो मुझे पता नहीं क्या होता है, बस पिच का पता है, पिच से तुम्हारी ज़्यादा होगी तो तुम्हारी आवाज़ अजीब तरीके से आएगी, भारी आवाज़ आएगी, और कम होगी तो तुम्हारी आवाज़ बच्चों जैसी आएगी। फिर आता है नॉइज़ रिडक्शन, एक और ऑप्शन यूज़फुल है, बहुत अच्छा यूज़फुल है, इसमें तुम अपने बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो। और तुम्हें इसकी सेटिंग्स को देखना है तो तुम इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि तुम्हें किस तरीके से एडजस्ट करना है हर चीज़ को इसमें। चलिए तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज़फुल ऑप्शन की तरफ, तो वो है थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड में तुम क्या कर सकते हो, अपने वॉइस को ज़्यादा इसका साउंड तुम बढ़ा सकते हो या, और तुम्हें इसकी सेटिंग्स स्क्रीन पर दिख रहेगी, तुम एडजस्ट कर सकते हो जिस तरीके से उनमें तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और दूसरा आता है इक्वलाइजर एम्पलीफायर, इसकी भी तुम्हें सेटिंग्स दिख रही, तुम इसे भी एडजस्ट कर लेना, पर ये ज़रूरी होता है कि जो मैंने सेटिंग्स दिखाई तुम उस तरीके से करो क्योंकि वही अच्छा लगता है, वरना तो तुम्हारी आवाज़ कभी ज़्यादा आती कभी कम आती है। तुम्हें सेटिंग्स पूरी नोट कर लेनी है, तुम वहाँ पर जाके अप्लाई कर देनी है। और फिर एक और ऑप्शन आता है रिवर्ब, ये ऑप्शनल है, तुम कर सकते हो नहीं भी कर सकते अगर तुम्हारा मन है तो, इस पर जब तुम कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट अपने तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ इस तरीके से आता है कि तुम किसी स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हो, इस तरीके से आता है, तो तुम यहाँ पे जाके एडजस्ट कर सकते हो अपने तरीके से। वैसे तो ये ऑप्शन है, तुम कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद तुम्हें आ जाना है काइनमास्टर में, जहाँ तुम अपनी वीडियो एडिट करोगे तो तुम्हें वॉइस के क्लिक करके तुम्हें यहाँ रिवर्ब का ऑप्शन मिलेगा, तुम्हें इस पर क्लिक करके अपनी वॉइस को स्टूडियो में क्लिक कर देना है, जिससे कि आवाज़ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। और फिर दूसरा ऑप्शन आता है EQ, यहाँ पे टॉप पे तुम्हें मिडल में मिलेगा, तुम्हें इस पर क्लिक करके सबसे नीचे जाके तुम्हें वॉइस पर क्लिक कर देना है, वो भी अच्छा हो जाता है, तुम्हारी वॉइस अच्छी आती है फिर। और यहाँ एक और ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का, जिससे तुम अपनी वॉइस को ज़्यादा कर सकते हो और कम कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा तुम 150 से ज़्यादा कभी अपनी वॉइस को करो ना, क्योंकि ये आगे नीचे ऊपर होती रहती है, और 70 से नीचे ना करो, 150 से ऊपर ना करो, 70 से नीचे ना करो, ये सबसे अच्छा रहेगा। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।